तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है कुछ डिफरेंट, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ पांच ऐसी रेयर चीज़ों के बारे में जो शायद हम WWE लॉकर रूम के बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और जैसा कि हम जानते हैं WWE के सुपरस्टार्स को हमेशा हम ऑन स्क्रीन देखते हैं और हमें लगता है कि यार उनकी लाइफ काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उनका जो मेजर पार्ट होता है इस चीज़ में वो होता है बैक स्टेज, जो हमें देखने को नहीं मिलता है। लॉकर रूम एरिया जिनको वो अपना घर मानते हैं, जहाँ पर उनको जाना होता है हर समय हर शो के लिए, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है और काफ़ी सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को इस लॉकर रूम एरिया के बारे में नहीं पता होंगी। और सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी शो से पहले सुपरस्टार्स अपने लॉकर रूम में फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। WWE इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि किसी भी शो से पहले सुपरस्टार्स बिल्कुल ढंग से फोकस करें कि उस शो के लिए उनको जो परफॉर्म करना है वो बिल्कुल ढंग से प्रिपेयर्ड हो। और अगर कोई भी सुपरस्टार इस रूल को तोड़ता है तो उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। और इसका एक एग्जाम्पल है एंजो अमोरे, जो कि पकड़े गए थे कि वो फ़ोन पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के, और उन्होंने सुपरस्टार्स के साथ भी जो है वो उल्टी सीधी बातें करी थी, जिसकी वजह से WWE ने उनको फायर कर दिया था। तो कोई भी सुपरस्टार जो है वो वहाँ पर अनप्रोफेशनली बिहेव नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता, और WWE इस बारे में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दूसरी चीज यह है गाइस, WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर जो हैं वो लॉकर रूम किसी और सुपरस्टार के साथ शेयर नहीं करते। जी हां, उनकी WWE की डील में ये लिखा हुआ है कि WWE उनको एक प्राइवेट लॉकर रूम देगी और जब भी वो किसी शो के लिए आएंगे तो वहां पर वो रेस्ट कर सकते हैं। अब ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो बाकी सुपरस्टार से काफी अच्छे तरीके से मिले घुले। जब भी वो किसी शो के लिए आए तो वो चाहते हैं कि वो अपने लॉकर रूम में आराम से बैठे और जब उनकी बारी आए वो बाहर रिंग में जाएं, वापस आएं और अपने घर चले जाएं। और ये ब्रॉक लेसनर की एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से बाकी WWE के सुपरस्टार्स उनको थोड़ा कम पसंद करते हैं और उनको लगता है कि एक ऐसा सुपरस्टार जो इस बिजनेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होता, उसको इतना पुश करा जा रहा है और हर समय वो मेन इवेंट में रहता है। अगला पॉइंट है गाइस जॉन सीना के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं जॉन सीना वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग WWE सुपरस्टार्स हैं। अब जबकि वो हो गए हैं पार्ट टाइम रेसलर, तो हमें वो ज्यादा तो टीवी पर नहीं देखने को मिलते, लेकिन जॉन सीना से जुड़ी एक बैक स्टेज बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो शायद आपको चौंका दे। और वो ये है कि जॉन सीना हर शो में जब भी वो वहां पर होते हैं तो बैक स्टेज बैठ के वो सारे मैचेस देखते हैं जितने भी उस शो पर हों। यानी कि जब जॉन सीना का मैच खुद नहीं चल रहा होता या फिर वो खुद रिंग में नहीं होते तो वो WWE के बाकी सुपरस्टार्स को बैठ के वहां पर देखते हैं। और इससे हमें पता लगता है कि कितना ज्यादा उनको प्यार है WWE से और इस स्पोर्ट को जो उन्होंने इतने सालों से परफॉर्म करा है इसके लिए कितनी ज्यादा कदर है जॉन सीना को। अब चौथे पॉइंट की हम करते हैं बात, तो ये है लॉकर रूम लीडर्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता लॉकर रूम लीडर क्या होता है, तो एक ऐसा सुपरस्टार होता है जिससे बाकी सारे सुपरस्टार काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जब हम मंडे नाइट रॉ की करें बात, तो रोमन रेंस हुआ करते थे उनके लॉकर रूम लीडर, क्योंकि वो एक तो यूनिवर्सल चैंपियन थे, वो बाय नेचर एक काफी अच्छे पर्सन माने जाते हैं और उनको बिजनेस की काफी ज्यादा नॉलेज है। और हम बात करें स्मैकडाउन लाइव की, तो डैनियल ब्रायन अभी भी हैं वहां के लॉकर रूम लीडर, क्योंकि सुपरस्टार्स उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। जो स्ट्रगल डैनियल ब्रायन ने करा है काफी सारे लोग वहां पे उनसे सीखना चाहते हैं और उनको देख के वो WWE में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अब क्योंकि मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस तो नहीं है, तो सेथ रॉलिंस को माना जाता है फिलहाल लॉकर रूम लीडर, और ये सुपरस्टार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाकी सुपरस्टार्स को इनसे काफी सीखने को मिलता है। अब गाइस हम बात करने वाले हैं अपने आखिरी और पांचवें पॉइंट की, तो ये है WWE का एक काफी पुराना ट्रेडिशन जिसका नाम था रेसलर्स कोर्ट। अब ये कोई ऐसी सेगमेंट नहीं थी जो टीवी पर देखने को मिले, लेकिन WWE क्या करती थी कि जब भी कोई सुपरस्टार जाके वहां पर कोई गलती करता था तो उनको रेसलर्स कोर्ट में ले जाया जाता था, जिसको JBL परफॉर्म करते थे। एक ये पूरा जैसे कोर्ट में केस चलता है उस तरीके से होता था, और इसके सुपरस्टार कोई जज हुआ करते थे जो काफी हाईली नेम्ड सुपरस्टार थे, जैसे कि दी अंडरटेकर या फिर द रॉक, इन टाइप के कोई सुपरस्टार्स हुआ करते थे जज। तो कोई भी सुपरस्टार जो छोटा जो नया कंपनी में आता था कोई गलती करता था तो WWE उनको इस रेस्टलेस कोर्ट में भेजती थी और वहां पर डिसीजन लिया जाता था कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या उनको पेनल्टी मिलेगी, क्या उनको पे करना पड़ेगा या फिर क्या उनका जुर्माना है जो उनको भरना पड़ेगा अपनी गलती का। और इस तरीके से WWE सुपरस्टार्स को एक सबक सिखाया जाता था ताकि वो आगे से गलती ना करें। लेकिन WWE ने अभी चीज करनी बंद कर दिया गाइस, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है कि वो जाके ऐसे किसी बंदे को पर्सनली कुछ बोलें या फिर उसको काफी ज्यादा उल्टा सीधा सुनाएं। और अब वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल से मिस्टेक होती है तो वो सीधा जाके बात करे विंस मैकमैन या फिर हायर अथॉरिटीज से और उस मैटर को सॉल्व करा जाए और ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता ना लगे। तो गाइस ये थी ऐसी पांच चीजें जो शायद आपको WWE के लॉकर रूम के बारे में नहीं पता थी। अगर ऐसा है और आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।